आज दोहा स्तुति में छठे पुष्प पद्मप्र भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। नीरी छटाले तुम छठे, तीर्थ करो मैं आप, निवास लक्ष्मी के बने, रहत पाप संताप। आचार्य श्री इस स्तुति में कह रहे हैं कि आप निरी छटा से युक्त हैं। भगवान के अलग अलग रंग होते हैं, जिसमें एक दोहा प्रसिद्ध है, दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, सोलह कंचन वर्ण के तिन्हें नवाऊं भाल। तो उसमें पद्म भगवान लाल रंग के हैं। तो देखा जाए तो 24 भगवान में केवल दो भगवान लाल रंग के हैं, तो बाकी सबसे जो है अलग छटा उनकी है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि निरी छटा ले तुम छठे। छटा और छठे में जो है देखा जाए तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दो शब्द हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे छठे तीर्थंकरों के लिए, छठे तीर्थकर हैं उनके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी के निवास बने। आपने शाश्वत लक्ष्मी को प्राप्त किया और उसमें कह रहे हैं रहित पाप संताप। पाप और संताप से आप रहित हैं, उस लक्ष्मी को प्राप्त किया। और जो भक्त हैं उन लोगों के लिए भी मार्ग बतलाया कि जब तक पापों का आश्रय रहेगा तब तक संताप से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि पाप के माध्यम से ही संताप यानी दुख की प्राप्ति होती है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट धर्म है उसमें अहिंसा लक्षण, मुख्यता से अहिंसा ही धर्म है। जब झूठ भी कोई बोलता है तो उस समय में भी वो पीड़ा का ही कारण होता है। हिंसा तो पीड़ा का कारण है ही, पांचों पाप जो हैं पीड़ा के कारण हैं। हिंसा का तो ऐसा साम्राज्य है, बहुत सभ्य समाज होने के बाद में भी कई ऐसी चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं कि देख करके लगता है कि सभ्यता को क्या प्राप्त किया। मध्य प्रदेश में एक जगह पर दो गांव पास पास में हैं, बीच में नदी का एक पुल पड़ता है और एक दिन मिलकर के दोनों गांव वाले एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, गोट मार। बहुत सारे लोग घायल होते हैं, कई की आंख फूट जाती है, लेकिन चल रहा है वो। बहुत सारे लोग जो पहले कोई साधन नहीं थे खेल के, तो उस समय में मुर्गों की लड़ाई करके, सांड की लड़ाई करके, ऐसे जो है हिंसानंदी रौद्र ध्यान का कार्य करते थे। अब इतने सारे साधन उपलब्ध हो गए लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं उन्हीं में लगे हुए हैं। और यदि कोर्ट मना करती है तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये हमारी जो परंपरा है। ऐसे जो है हिंसा का तांडव जो है चलता रहता है। विदेशों में भी एक बुल फाइटिंग होती है, उसमें भी बहुत समय से चल रही है और वहाँ पर उसकी जो है हिंसा की जाती है। ऐसे कार्यों को सभ्य समाज का कैसे अपन जो है अंग कह सकते हैं। तो ऐसा हिंसा का जब तक साम्राज्य है तब तक जो है संताप से दूर कैसे हो सकते हैं। झूठ बोलने से भी पीड़ा होती है। एक पिता ने महाराज जी से कहा कि आज हमें बहुत दुख हो रहा है, हमने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए लेकिन आज इसने हमसे झूठ बोला है। महाराज के सामने बच्चा कहने लगा कि मैं अकेले में बात करूंगा, पिताजी के सामने नहीं बोलूंगा।
महाराज जी ने इशारा किया, पिताजी चले गए। पूछा तो उसने कहा कि मैं क्लास में गया था और क्लास में सर ने पूछा कि आज कौन होमवर्क करके नहीं आया है। मेरे पिता ने संस्कार दिए हैं कि झूठ नहीं बोलना, तो मैंने हाथ उठा दिया। और सर ने पूछा क्यों, तो मैंने कहा कल मेरा सिर दर्द कर रहा था और मेरे बगल वाले ने होमवर्क नहीं भी किया था, उसने कह दिया कि मैंने तो कर लिया है। और सर ने, मैंने जो सही बोला था फिर भी मेरी पिटाई कर दी। और जब मैं घर आया तो मैंने पिता को बतलाया नहीं, पिता को मैं रोज बताता क्या क्या घटित हुआ, तो वो आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम क्यों दुखी हो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। और जब उनको किसी से पता पड़ गया तो वो दुखी हो रहे हैं कि मैंने आज उनसे झूठ बोला है। तो झूठ बोलते हैं तो वो भी पीड़ा देने वाला होता है। यहाँ पर वो झूठ जिसने बोली है वो वहाँ पर पिता को पीड़ा ना हो इस भाव से झूठ बोली है, और साथ ही साथ में उसने जब सत्य बोला था तो उन व्यक्ति को भी वहाँ पर उसका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सम्मान नहीं किया। तो कई बार ऐसा भी होता है जो सत्य बोलता है यदि उसको सम्मानित नहीं करते तो फिर वो भी झूठ बोलने के लिए आगे प्रेरित होने लगता है। तो ऐसी जो है मूल में बात तो यह है कि झूठ भी जब बोलते हैं तो वो भी पीड़ा देने वाली होती है। चोरी, किसी की सामग्री को यदि चुरा लिया जाता है तो उसके लिए स्वाभाविक रूप से दुख होता है। जहाँ अन्न को प्राण बोला जाता है, साथ साथ में अन्न भी धन से आता है तो धन को भी प्राण कह दिया जाता है। कोई यदि धन को हरता है तो जैसे प्राण को ही हरण कर लिया हो, तो उसमें भी पीड़ा हुए बिना नहीं रहती। सहजानंद बर्णी जी ने एक उदाहरण कि एक चूहा जिसने एक सेठ के बटुए को जिसमें सिक्के रखे थे उसको उसने खींच लिया और उसके सिक्कों को वो रोज़ जो है अपने बिल में निकाल करके रखता था, अंदर रखता था बाहर रखता था, खेल हो गया था उसका रोज का। एक दिन सेठ जी ने देखा तो उन्होंने जब सारे सिक्के इकट्ठे हो गए, इधर उधर गया, तो उन्होंने उन सिक्कों को वहाँ से उठा लिया। और जब वो वहाँ पर आकर के देखता है कि उसकी सामग्री संपत्ति जो उसने भले ही सेठ जी की ली थी लेकिन बहुत दिनों तक अपने पास में रखने के कारण में ऐसा गुमान होने लगता है कि ये हमारी ही है, और उस समय में उसने इधर उधर बहुत जो है धमा चौकड़ी की और जब नहीं मिली तो उसने वहीं पर प्राण त्याग दी। उस संपत्ति के प्रति ऐसा उसके लिए आकर्षण, यानी उसकी वो चली गई तो वो प्राण त्यागने की स्थिति बन गई। धन संपत्ति में कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, यदि कोई किसी के धन संपत्ति को हरण कर लेता है तो कई बार जिनको लगता है कि अब हमारा सब कुछ चला गया तो हार्ट अटैक भी होने की जो है खबरें सुनने में आई हैं। तो ऐसी जो है चोरी भी जो पीड़ा देने वाली होती है। और कुशील, कोई कुशील करता है उससे भी जो है जिसको उनसे अपेक्षा नहीं होती और यदि उनको पता पड़ता है तो वो भी उनके लिए दुख देने वाला होता है। एक माता पिता ने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए लेकिन एक बार खबर मिली कि वो वेश्यालय में पकड़ा गया, पुलिस पकड़ करके लेके गई। अब उनको जब पता पड़ा तो उस गांव में अब मैं कैसे रहेंगे ऐसा सोच करके उन्होंने, माता पिता ने उस गांव को ही छोड़ करके चले गए। तो ऐसी परिस्थितियां जो हैं कुशील के कारण पीड़ा देने वाली बन जाती है। और परिग्रह, पांचवा पाप, जिसके अर्जन में कितना दुख होता है धन कमाने वाले जानते हैं, कितनी मेहनत करना पड़ती है और उसके रक्षण में भी रातों की नींद हराम करना पड़ती है, और यदि वो धन कहीं चला जाए तो भी वो दुख देने वाला होता है। इसलिए उसके कमाने में, संरक्षण में और व्यय होने पर भी दुख होता है। तो ऐसा परिग्रह भी पीड़ा का ही कारण होता है।
तो ये पांचों पाप जो हैं दुख के कारण हैं, तो भगवान ने इन पांचों पापों को नष्ट करके और संताप से रहित अवस्था को प्राप्त किया है। एक हमने भजन भी लिखा था बहुत पहले, जिसमें इन पांचों पापों के लिए जो पीड़ा देने वाले हैं उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। प्रेम से सब रहें पीड़ा न किसी को, प्रेम से सब रहें पीड़ा न किसी को, परम धर्म अहिंसा जयवंत हो, परम धर्म अहिंसा जयवंत हो। जीवों को अपनी जान लगे सबसे प्यारी है, कांटा भी चुभता तो लगे दिल में आरी है, दूसरों की पीड़ा में भी आँखों में आंसू हो, परम धर्म अहिंसा जयवंत हो। झूठ से भी जग में लोग रूठ जाते हैं, शेर आया बचाने न आते हैं, झूठ भी पीड़ा देता झूठ का भय ना हो, परम धर्म अहिंसा जयवंत हो। लोग बड़ी मेहनत से दुनिया बसाते हैं, चोरी हुई तो कई प्राण भी गवाते हैं, चोरी से दुख होता चोरी का दुख ना हो, परम धर्म अहिंसा जयवंत हो। माँ बहन बेटी को श्रद्धा से देखते हैं, तिरछी नजर जो डाले दूर कर देते हैं, कुशील भी दुख देता इसका भी भय ना हो, परम धर्म अहिंसा जयवंत हो। जरूरत से ज्यादा जो जोड़ जोड़ रखते हैं, मानवता भूल कर दान नहीं करते हैं, परिग्रह भी पाप होता ऐसी समझ भी हो, परम धर्म अहिंसा जयवंत हो। प्रेम से सब रहें पीड़ा न किसी को, परम धर्म अहिंसा जयवंत हो। तो इस काव्य के माध्यम से कि सारे पाप जो हैं पीड़ा को उत्पन्न करने वाले होते हैं, और उन पीड़ाओं से ऊपर उठने वाला जो अहिंसा धर्म है, किसी को पीड़ा ना हो, किस किस माध्यम से भी पीड़ा हो सकती है, उन सब से ऊपर उठने का नाम अहिंसा धर्म का पालन है। अब अगले काव्य पर चलते हैं। हीरा मोती पद्मना चाहूं तुम से नाथ, तुम सा तम तामस मिटा, सुख में बनू प्रभा। भगवान से कह रहे हैं कि भगवान हम लौकिक संपदा आपसे नहीं चाहते, केवल हम चाहते हैं जैसे आपने तम तामस जो मोह का अंधकार है उसको नष्ट किया है, वैसा हमारा भी जो है मिथ्या अंधकार
नष्ट हो, हम भी सुखमय प्रभात को प्राप्त करें। भगवान की आराधना करते समय भगवान को नाम मांग करके भगवान से कुछ मांगना मतलब भगवान के स्वरूप को नहीं समझना है। जहाँ याचना अच्छा नहीं माना जाता, प्रार्थना एक होती है, प्रार्थना करना कि भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो, आपकी जैसी शक्ति हो, आपके जैसा समता आदि को प्राप्त करें, वो तो जो है प्रार्थना कहलाती है। लेकिन याचना मांगना वो तो निंदनीय माना जाता है। जहाँ पर 22 परिसरों का वर्णन आता है उसमें याचना नाम का भी एक परिसर है। याचना परिसर में श्वेतांबरों में ऐसा अर्थ है उनके यहाँ की मांगना, उससे मान कसाय खंडित होती है इसलिए मांगना, जबकि दिगंबर संप्रदाय में उसका अर्थ है कि चाहे प्राण निकल जाए लेकिन मांगना नहीं, क्योंकि मांगना जो है वो निंदनीय माना जाता है। निदान भी जो है कुछ मांगना भगवान से वो भी निदान कहलाता है, वो भी निंदनीय कहलाता है। एक बार तिलक, बाल गंगाधर तिलक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, हॉकर से उन्होंने न्यूज़पेपर ख़रीदा और उन्होंने अभी उसका शीर्षक भी नहीं पढ़ पाया था कि बगल वाले ने कहा एक पेज हमको भी दो, होती है स्वाभाविक आदत होती है। और उस समय में उनको समझ में आया कि अभी तो हमने इसको खोल करके नहीं देखा, अब सामने वाला मांग रहा है कैसे मना करें, और उनके मन में कुछ सेकंड में ही एक भाव प्रकट हुआ, उन्होंने अपना बटुआ निकाल करके और उनसे कहा कि आप भी दूसरा पेपर खरीद लो निकाल करके पैसे। उस व्यक्ति को समझ में आया कि यहाँ पर जो मांग रहे हैं पैसे मांगना पेपर मांगने में कोई अंतर नहीं है, और उस व्यक्ति ने फिर अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन मांगना जो है ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भगवान से कह रहे हैं कि भगवान हम आपसे कुछ भी लौकिक चाह नहीं रख रहे हैं, आपने जैसे मोह पर विजय प्राप्त की है वैसी विजय हम भी प्राप्त कर सकें। अगले काव्य पर चलते हैं। शुभ्र सरल तुम बाल तौ, कुटिल कृष्ण तमना, तब चिति चित्रित जेय से, किंतु न उसमें दाग। इस काव्य में विरोधाभास अलंकार का वर्णन है। कह रहे हैं भगवान आप शुभ्र सरल हो, यानी आपके परिणाम जो हैं बहुत सरल, उसमें कोई भी कुटिलता नहीं है, लेकिन आपके जो बाल हैं वो कैसे हैं, कुटिल कृष्णतम नाग, घुंघराले घुंघराले बिल्कुल नाग की तरह काले काले बाल हैं, यानी दोनों में वहाँ पर एक जगह धवलता है और एक जगह बिल्कुल कृष्णता है, ऐसे विपरीत विरोधाभास के साथ में। और फिर नीचे कह रहे हैं तब चिति चित्रित गेय से, आपका जो चेतना है उसमें सारे गेय सारे संसार के जो पदार्थ हैं चेतन अचेतन सब उसमें झलक रहे हैं। तब चिति चित्रित गेय से किंतु ना उसमें दाग, लेकिन फिर भी सब कुछ आपके अंदर झलक रहा है लेकिन उसके माध्यम से आपके लिए कोई भी दाग नहीं, कोई भी कर्मबंध नहीं, कोई भी कलुषता नहीं। तो ज्ञान का सही कार्य जो है केवल जानना है। यदि हम ज्ञान के साथ में राग द्वेष करते हैं तो वो सही जानना नहीं होता। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में अन्नानी कम फलम पहड़ी सहा वट्ठि दो दुबे दे दी, नानी पुण कम फलम जान दी उदिदम नवे दे दी। उसमें कह रहे हैं कि एक अज्ञानी होता है वो वेदन करता है और ज्ञानी होता है उन्हीं चीज़ों को केवल जानता है। अब जानना और वेदन करना, जानना माने शुद्ध जानना और वेदन करना यानी उसमें जानने के साथ में राग द्वेष की परिणति होना।
तो जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, जैसे म्यूजियम में आप जाओ, वहाँ पर लिखा है कि जस्ट सी डोंट टच, उसको आपको छूना नहीं है, बस केवल देखो। तो उसमें अपन दूर दूर से उसको देखते रहते हैं, उसको लेने का भाव नहीं होता। किसी दुकान पर आप जाते हो, अच्छी चीज़ दिखी तो उसको लेने का भाव हो जाता है। तो उसको लेने का भाव, ये पसंद नहीं है, इसको नहीं लेना, इसको छोड़ना, तो ये जो है राग देश की जो परिणति होती है वो वहाँ पर जानना नहीं होता, जानने के साथ में वेदन करना होता है, और उसी के कारण में कर्म का बंधन होता है। दिन भर अपना जो है राग देश की परिणति चलती रहती है, उसके माध्यम से अपन ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा वोट दिन भर देते रहते हैं, तो उसमें अपना सही जानना नहीं होता। भगवान का जो जानना होता है वो सबको जानते हुए भी उसके राग द्वेष से अतीत होते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान के ज्ञान के स्वरूप और अपने लिए भी सामायिक आदि के काल में एक बार कोई ने प्रश्न किया कि क्या सामायिक केवल जो है वृत्ति ही करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते? नहीं, सामायिक तो सब लोग कर सकते हैं, बल्कि प्रतिदिन अपने को थोड़ा समय निकाल करके अपने लिए चिंतन के लिए प्रतिदिन कुछ समय तो निकालना चाहिए अकेले में बैठ करके, जिसमें अपन सारे पापों से ऊपर उठ सकें और उस समय में कोई राग द्वेष की परिणति नहीं हो, कोई आर ध्यान रौद ध्यान ना हो। उस समय में जो चिंतन कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी आत्मा क्या है, इस थोड़े इन बिंदुओं पर विचार करें तो उस समय में अपन केवल जानने की ओर दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, राग द्वेष से ऊपर उठने का एक मार्ग अपने लिए प्रशस्त हो सकता है। अब अगले काव्य पर चलते हैं। विराग पद्म प्रभ आपके दोनों पाद सरा, रागी मम मन जावहीं, पीता तभी परा। पद्म प्रभुवान के लिए कह रहे हैं कि आप विराग हो, वीतराग हो, राग द्वेष से अतीत हो, लेकिन आपके दोनों पाद सराग, सराग का अर्थ सुंदर है, आपके दोनों चरण बहुत सुंदर हैं। वैसे तो पूरे भगवान का शरीर ही सुंदर है, लेकिन चरणों का प्रतीक जो है आचरण के प्रति होता है, और चरणों को नमन करने के लिए चरण कमल की उपमा दी जाती है। तो यहाँ पर आपके दोनों चरण कमल बहुत सुंदर हैं, और रागी मम मन जा वहीं, पीता तभी पराग। मेरा रागी मन, इसमें कोई विषयानुराग नहीं है, लेकिन धर्मानुराग, आपके चरणों का जो राग है, राग एकांत से बंध का कारण नहीं होता। एक विषयों का अनुराग, पंचेंद्रियों के विषयों का जो राग होता है वो तो बंधन का कारण होता है, लेकिन जो धर्मानुराग होता है वो बंधन का कारण नहीं होता, बंधन से छूटने के लिए कारण होता है। तो यहाँ पर रागी ममन जा वहीं, पीता तभी पराग, आपके चरणों की पराग का पान करने की भावना राग सहित यहाँ पर है। आचार्य श्री ने एक आत्मानुशासन के श्लोक का अनुवाद करते हुए इसमें लिखा कि सुबह में भी लाली है और संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। सुबह सुबह भी लालिमा कभी कभी देखने मिलती है, संध्या काल में भी जब सूर्य अस्त होता है तो लालिमा होती है, लेकिन दोनों लालिमाएं क्या एक सी हैं? एक लालिमा जो सुबह की लालिमा है वो धर्मानुराग की लालिमा है, जो जगाने वाली है, और संध्या काल की जो लालिमा है वो सुलाने वाली है, भोगों में शयन कराने वाली है। इसलिए दोनों में अंतर है। इसी प्रकार से यहाँ पर शुभोपयोग और अशुभोपयोग, वैसे देखा जाए तो शुद्धोपयोग की अपेक्षा से दोनों ही हे हैं, लेकिन जब दो में चयन करने की बात हो श्रावकों की अवस्था में, तो जहाँ पर उनके लिए शुद्धोपयोग का अवकाश नहीं है, तो उस समय में अशुभ कार्यों से ऊपर उठ करके धर्मानुराग, आप लोग यहाँ पर भी आए हैं किसी राग से, लोभ से, एक लोभ कसाय जो है उसके लिए लोसिया पिज्जम, यानी जो लोह कसाय है उसको किसी अपेक्षा से प्रशस्त कहा है। तो वो प्रशस्तता इसीलिए है कि यहाँ पर धर्म का अनुराग है,
और वो धर्म का अनुराग जो है हमारे लिए परंपरा से मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए यहाँ पर भगवान की आराधना जिसमें जो बहुत अनुराग के साथ में करने के लिए प्रेरणा दी गई है। कहीं कहीं पर ऐसे भी शब्दों को सुनने मिलता है कि भगवान की पूजा जो है हे बुद्धि से करना चाहिए, ऐसा जो है जिनागम में कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो आर्ष मार्ग है, जो आगम का मार्ग है, कि भगवान की आराधना तो बड़े अनुराग के बड़े उत्साह के साथ में करना चाहिए। इति श्री पद्मपर्व जिनेन्द्राय नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंता मणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नवबार,